चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश जी, चैत्र माह के कृष्ण चतुर्दशी को गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या लेना चाहिए? इस माह के देवता का क्या नाम है और उनके पूजन का विधान क्या है, ये आप मुझे कृपया बताइए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणपति का पूजन करना चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को खोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्म भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य यानी गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी का पान करना चाहिए। ये संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजौरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि किसी का भी भय नहीं था और सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। ये सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय के पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल काफी धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति का पूजन किया और ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार रोकने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकट नाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ, ये व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर के उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही है, इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है? हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति की यह नष्ट करेंगे? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मार पीट सहन करके भी बहू ने वह व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दो जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ये बुरा कार्य किया? राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चले गए इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे सभी लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं भी पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है, मुझे सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि किसने ये बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि ये कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की ये बात सुनकर के छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी का पूजन कीजिए।
राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा ये वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणपति की प्रसन्नता के लिए संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत से गणपति प्रसन्न हो गए और सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने कहा, हे विघ्न विनायक, आप धन्य हैं, और मंत्री की कल्याणी पतोह को भी धन्य कहा, जिसकी कृपा से उनका पुत्र उन्हें मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा दूसरा कोई व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। तो ये थी चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। नमो नारायण।